हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुकीज़ किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी एंड टेस्टी कॉर्नफ्लेक्स भेल, जो फटाफट से बन जाएगी और फटाफट से ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी एंड टेस्टी कॉर्नफ्लेक्स भेल। देखते ही खाने का दिल करे ऐसी टेस्टी भेल बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप एप्पल लिए है मैंने, इसे फाइनली चॉप कर लिया है, 1/2 कप ऑनियंस, 1/2 कप पोमग्रेनेट, 1/2 कप फाइनली चॉप टमाटो, 1/2 कप ग्रेटेड कैरेट, 1/2 कप बॉइल्ड पोटैटो, 1 लेमन, ग्रीन चटनी, टामरिंड चटनी, बॉइल्ड कॉर्न, 2 कप्स कॉर्नफ्लेक्स, 1/2 कप फ्रेश कॉरियंडर, स्पाइसेस रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक और भुने हुए जीरे का पाउडर। चलिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड एप्पल, इसके साथ ही ऐड कर देंगे बॉइल्ड कॉर्न, अब ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियंस और साथ में ऐड कर देंगे पोमोग्रेनेट। इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट आएगा हमारे भेल में। अब साथ में जाएगा फाइनली चॉप टमाटो, जिससे भेल का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। चलिए अब ऐड कर देंगे ग्रेटेड कैरेट। चलिए अब ऐड कर देंगे बॉइल्ड पोटैटो और ढेर सारा धनिया, जो हमारी भेल का स्वाद दुगना कर देगा। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करने के बाद लास्ट में सर्विंग के टाइम पर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लेक्स 2 कप्स। अगर आप अपने मेहमान के लिए बनाना चाहते हैं तो आप पहले से सारे वेजेस और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस और कॉर्नफ्लेक्स जो है आप लास्ट में ऐड कर दें। चलिए अब स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और चाट मसाला, जिससे हमारी भेल का स्वाद बढ़ जाएगा। चलिए अब ऐड कर देते हैं चटनी, मैंने यहाँ इमली की चटनी ली है और ग्रीन चटनी, दो गुना स्वादिष्ट बनाएंगी ये दोनों चटनी। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी और मैंने डाली है इमली की खट्टी मीठी चटनी। चलिए अब हल्के हाथों सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी सेव। फाइनल टच के लिए हमें ऐड करनी है सेव। चलिए सेव ऐड करने के बाद बढ़िया से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स करना है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तब बनाइए ये हेल्दी एंड टेस्टी कॉर्नफ्लेक्स भेल और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। हमारी भेल बिल्कुल रेडी है, देखते ही खाने का दिल करे ऐसी चटपटी भेल रेडी है दोस्तों। चलिए अब बारी है प्लेटिंग की। कॉर्नफ्लेक्स ऐड करने के बाद तुरंत इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। क्यों दोस्तों, चटपटी भेल देखकर आपके मुंह में भी आ गया ना पानी? तो बनाइए ये फटाफट से बनने वाली कॉर्नफ्लेक्स भेल और मुझे कमेंट करके बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए अब भेल को गार्निश करते हैं थोड़ी सी सेव डालकर और लेमन स्लाइस से। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल कुकीज किचन और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।